आउट ऑफ गिवन कोड, इस केस में अगर फर्स्ट केस बात करें, फर्स्ट केस में जस्ट प्रोवाइड क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन फॉर एक्स एंड पॉइंटर वेरिएबल पी, पी में सन किया एड्रेस ऑफ एक्स एंड परफॉर्म करा इंक्रीमेंट इन एक्स। इस केस में आपको कॉन्सेंट्रेट करना ओनली थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट के केसेस में जस्ट अगर देखा जाए तो इसे एक्सप्रेशन के अंदर टू ऑपरेटर्स अप्लाई किए, वैल्यू कंटेंस ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टार एंड प्लस प्लस। वैल्यू दोनों की केसेस में, दोनों में टाइप क्या है, यूनरी ऑपरेटर, इनके प्रायोरिटी कैसे सेम प्रायोरिटी, इसलिए अप्लाई करोगे एसोसिएटिविटी रूल, लेकिन इस केस में प्रायोरिटी को कंट्रोल किया यूजिंग ब्रैकेट। तो सबसे पहले अप्लाई क्या हुआ इस केस में, स्टार। आपको ऑलरेडी पता है जब स्टार किसी पॉइंटर के साथ अपीयर होता है इस केस में ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा इस प्लेस पर, वैल्यू। तो फाइनली इस ब्रैकेट के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, सम वैल्यू विच इज पॉइंटेड बाई पी। देन नेक्स्ट टाइम अप्लाई क्या हुआ, प्लस प्लस। प्लस प्लस इस केस में अप्लाई किसके लिए हुआ, वेरिएबल्स के लिए और वैल्यूज के लिए। वैल्यूज के लिए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कभी वैल्यू में इंक्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं, मीन्स रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी वेरिएबल टाइप, इसलिए रेज क्या हुआ इस केस में, कंपाइल टाइम एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड।